नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। शिवराज कैबिनेट में अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गुस्से का विवाद अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था कि अब शिवराज कैबिनेट में ही एक बार फिर से मंत्रियों के बीच नोकझोंक की खबरें सामने आई। सच क्या है आखिरकार इसका, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल शिवराज कैबिनेट मंगलवार को होती है, हर मंगलवार को एक कैबिनेट होती है। इसमें अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि बीते एक हफ्ते के दौरान उनके विभाग से जुड़ी हुई उपलब्धियां क्या रही, ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिसका सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जिसकी वजह से विभाग को सबसे ज्यादा लोगों की बुराई झेलनी पड़ी है और इसका समाधान कैसे किया गया। जो खबर निकल के प्राथमिक रूप से सामने आई उसमें यह बताया गया कि बैठक के दौरान जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए, उन्हीं के साथ बाद में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जीते, मंत्री पद उन्होंने अपना बरकरार रखा। खबर यह निकल के सामने आई कि प्रद्युम्न तोमर जब अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उसी प्रेजेंटेशन के दौरान एक और मंत्री जो है शिवराज कैबिनेट में, यशोधरा राजे सिंधिया, उनके साथ उनकी नोकझोंक हो गई। ये शुरुआती तौर पर खबर निकल के आई, ये आरोप लगे कि कैबिनेट की बैठक में दो मंत्रियों के बीच में नोकझोंक हो गई। हालांकि दोनों ही मंत्रियों की तरफ से तब तक कोई बात सामने नहीं आई, ना ही किसी तरीके का कोई बयान उन्होंने इस नोकझोंक पे दिया। अब शिवराज कैबिनेट में क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक वाक्या सामने आ चुका है जब एक टेंडर को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खासे नाराज हुए थे, उस दौरान बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया गया, उनका गुस्सा शांत कराया गया। जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनके घर भी गए थे उनसे बात करने के लिए। बहरहाल ये मामला खत्म हुआ, ठंडा भले ही नहीं हुआ था, इसकी आज तक बात होती है मध्य प्रदेश की सियासत में इस कैबिनेट मीटिंग की। लेकिन इसके बाद ही मंगलवार को ये जो कैबिनेट मीटिंग होती है इस पे भी दो मंत्रियों के बीच में नोकझोंक की खबरें सामने आती है और ये दोनों मंत्री और कोई नहीं बल्कि एक तो शिवराज कैबिनेट और भाजपा की पुरानी नेता यशोधरा राजे सिंधिया है, तो वही दूसरे भाजपा में नए नए आए प्रद्युम्न सिंह तोमर है, ये भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री है और दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। प्रद्युम्न तोमर तो ज्योतिराज सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं, उन्हीं के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, मंत्री बन गए। यशोधरा राजे सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया की बुआ लगती है रिश्ते में, तो जाहिर सी बात है ऐसे में ये मामला बहुत गंभीर हो गया था। कांग्रेस ने इस पर जमकर चुटकी ली, कांग्रेस ने इस पर ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि आखिरकार शिवराज कैबिनेट में सब कुछ सही नहीं चल रहा, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री अब आपस में ही लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। कांग्रेस ने यह ट्वीट किया, अखबार की एक खबर को आधार बनाया गया और अखबार की इसी खबर के आधार पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर हमला बोला, ज्योतिराज सिंधिया पर हमला बोला और साथ ही में इन दोनों कैबिनेट मंत्रियों पर हमला बोला। लेकिन शाम होते होते दोनों ही मंत्रियों ने खंडन जारी कर दिया अपने ट्विटर हैंडल से। दोनों ही मंत्रियों ने एक अखबार में जिस खबर को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने हमला किया था इन दोनों पर, उस खबर का खंडन किया और साफ तौर पर कहा कि उनके बीच में कैबिनेट के दौरान ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं हुआ है जिसको आधार बनाते हुए कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं।